अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल ड्रामे एशिया के अंदर। गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही ग्रीन टीवी का इंटरेस्टिंग ड्रामा ड्रामा सीरियल अखाड़ा, जो कि तकरीबन एंड को तो जाने ही वाला है। काफ़ी अच्छी एपिसोड इसकी देखने वाली थी और आने वाली और भी अच्छी होने जा रही हैं। आप देखेंगे कि जो होगी ये वाली रेशमा ये बताने जा रही होती है अपने आशिक को सच, लेकिन नहीं बता पाती। और उसके बाद जो होगा आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि इसका रिश्ता फिक्स हो जाएगा जुनीद के साथ, जो उसके घर में आया है, उसके फूफो का बेटा है, तो उसके साथ इसका रिश्ता ये पक्का कर देंगे आपस में ये दोनों बहन भाई। और इसके साथ बहुत ही बुरा होता है। उसके बाद ये जो होता है ये बता देता है सितारा को कि मैंने मतलब कि उसके साथ मतलब कि रिश्ता फिक्स कर दिया है, उसकी शादी है, आप भी आना। तो वो कहती है, सितारा कहती है कि तुम बहुत ही बुरा कर रहे हो, ठीक है मेरे साथ जो हुआ हुआ, उसको अना का मसला ना बनाओ और उसके साथ ज्यादती मत करो। और वो फिर उस वहाँ से ये बताता हुआ चला जाता है कि मैं उसकी मतलब कि शादी कर रहा हूँ, मेरे डैड उसके साथ कर दिया है, उसका मतलब कि फिक्स हो गया है। तो वो कहती रहती है लेकिन उसकी बात कहाँ सुनता है वो। तो होता ये है कि ये सितारा जो होती है वो बताती है रुस्तम को कि तुम बचा लो अपने प्यार को अगर बचा सकते हो तो। अगर वो मतलब के कह रही है प्यार का हाथ बढ़ा रही है तो इस दफ़ा मत जाने दो। फिर वो कहता है ठीक है मैं करूँगा बात अपने डैड और मॉम से। वो वैसे ही करता है, जाता है अपनी माँ के पास और कहता है कि मैं जा रहा हूँ मतलब के अपने प्यार के लिए जा रहा हूँ, आप तो मेरे साथ चले। वो कहती है कि आपके डैड कैसे मानेंगे। वो कहते हैं कि माने या ना माने मैंने करना। वो कहते हैं नहीं, आपका निकाह सितारा के साथ हो चुका, पीछे से उसका डैड आता है, अब यह नहीं हो सकता। तो यही बातें चल रही होती। वो कहता है बस मैं अब यही करूंगा। तो वो करता ये है कि आने वाली एपिसोड में इंटरेस्टिंग मोमेंट एक ये है। तो ये जो होती हाजरा बहुत ही चालाक ये करती क्या है कि दिलबर दिल वाले के साथ मतलब कि प्यार भरी बातें करके उसको समझाती है कि वो आएगा रुस्तम यहाँ मेरे लिए, तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या मार सकते हो रुस्तम को चाकू। वो कहता है चाकू उसको तो क्या, चौधरी रियासत उसके डैड को का भी पेट चीर सकता हूँ। तो वो उसको प्यार भरी बातें करके वरगला कर हाथों में हाथ डालकर बालों में मतलब कि हाथ वगैरह लगा कर उसको मतलब कि ना थोड़ा ओवर करके तो वो उसको छोड़ देती है और कहती है कि जाओ मेरे जानी। तो ऐसे करना वो ऐसे करेगा। आने वाली एपिसोड में देखेंगे कि आप जो होगा रुस्तम वो आएगा अपने प्यार की खातिर रेशमा को लेने के लिए, मतलब कि उसके साथ जो ज्यादती होने जा रही है बेचारी के साथ, वो मतलब कि अपने प्यार को बचाने के लिए आएगा उसके पास। और इस बात का हाजरा को भी पता होता है, तो वो हाजरा उसको ट्रेन कर लेती है दिलवर दिलवाले को। उधर से इल्ज़ाम जो लगेगा वो सारा का सारा लगेगा किस पर, ये दिलशेर पर। दिलशेर आएगा उसको कहेगा तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुम, मतलब कि वो उनकी तो आपस में लड़ाई तो शुरू से चल रही होती। जब वो चाकू उससे मारेगा उससे उनके इसके अब्बू को लगेगा कि जो चाकू है वो दिलशेर ने मारा, इनकी लड़ाई फिर से जाग उठेगी, एक बार फिर जोश में आएगी। तो आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, देखना मत भूलिएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।